सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सूरज क्यारी व्लॉग। सो पिछले वीडियो में हमने चार्ली चार्ली खेला था और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप जॉन एल्वर्ड की स्टोरी सुनाओ स्पेलंक वाली, तो आज मैं वही सुनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो जो बंदे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचेगी। और आज का हमारा यही कंटेंट रहेगा कि हम जॉन एडवर्ड की पूरी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। तो गाइस, हुआ यूँ था कि अमेरिका में एक स्पेलंक मतलब एक केव था, मतलब जमीन के नीचे जो सुरंग होती है गाइस, जो पिछले टाइम में जो यूज़ होता था, जो राजा और यूज़ करते थे, उसे कहते सुरंग, मतलब उसको बंदे कहते स्पेलंक। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस था, उसका नाम था नटी पटी केव गाइस। वो अमेरिका के एक यूटा जगह में था। मतलब तो हुआ यूँ गाइस कि जो वो 24 नवंबर 2009, ये दिन था जब जॉन एल्वर्ड अपनी फैमिली से मिलने यूटा पहुंचा गाइस। तो उधर उसकी एक वाइफ थी और उसका एक बेटा था गाइस, छोटा सा था वो, ठीक है, और उसके फैमिली मेंबर्स थे। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं कि हम स्पेलंक की मतलब केविंग करने के लिए चलते हैं। तो सब फैमिली मेंबर ने ये प्लान करा कि हम चलते हैं, मतलब नीचे केविंग करेंगे। तो उन लोगों ने सब ने प्लान बनाया और उन्होंने बोला ठीक है, तो हम 28 नवंबर 2004 को चलते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो गाइस, इसका एक रूल था इस स्पेलंक का कि जो एक बार में मतलब एक ही टीम जा सकती है, मतलब एक ही फैमिली जा सकती है केविंग के अंदर में गाइस, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। उससे पहले यू हुआ था गाइस, हम कहानी से एक दो साल पीछे चलते हैं, कुछ होता ऐसे था कि गवर्नमेंट अमेरिका की ऐसे मतलब इस केव को मतलब बंद कर देते, क्योंकि आए ना आए दिन बताऊँ इस मतलब केव से ना बहुत सारी मतलब न्यूज़ आती थी कि किसी का किसी मर्डर हो गया, हादसे होते रहते थे। तो लोग मतलब कहते थे कि कोई बात नहीं, हम तभी भी इस केविंग करेंगे। तो गवर्नमेंट ने दोबारा इसको मतलब अलाउ कर दिया कि एक बार में मतलब एक ही आदमी जा सकता है, मतलब एक आदमी नहीं पूरी एक टीम जा सकती है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है। तो 28 नवंबर 2004 का दिन था और रात के 8 बजे जॉन, उसका भाई जोश, उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसका एक बच्चा था, जो कि उसके वाइफ और बच्चा दोनों बाहर थे गाइस। तो उसकी जो मॉम थी और उधर उसके 5-6 सिबलिंग्स मिल गए थे उसको गाइस। तो उन लोगों ने पूछा कि आपको कोई मतलब आदमी चाहिए जो आपकी मदद करेगा अंदर जाने से। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें आता है मतलब जॉन, क्योंकि बचपन में अपने पापा के साथ में स्पेलिंग करने जाया करता था गाइस, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उस चीज़ का। तो उसने बोला ठीक है, मैं खुद ही करूँगा ये। तो उन लोगों ने बोला ठीक है। तो 8:30 पर उन लोगों ने केविंग शुरू कर दी। तो इसका एक रूल बता दूँ गाइस, जब वो केविंग के लिए अंदर जाते हैं गाइस, तो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं आती है, तब कुछ भी नहीं होता गाइस। तब होता यूँ है कि गुफा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, तब तो उन्हें बहुत इजी रूल लगता है। जब आगे आते रहते हैं वो लोग, तो गुफा और छोटी होती जाती है और बहुत ज़्यादा संकरा और पथरीला होता जाता है गाइस वो, जिसकी वजह से जॉन की टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब फट चुकी थी गाइस। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तभी भी कर लेंगे। तो वो आगे बढ़ते रहते, अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था। तो रात के 9:30 बज चुके थे गाइस इन सबको करने में, 1 घंटा निकल चुका था। तो जॉन सबसे आगे था और उससे पीछे था जोश, जो कि उसका भाई था रियल ब्रदर, और उससे पीछे थी उसकी मॉम और उससे पीछे थे उसके 5-6 सिबलिंग्स। तो उसने बोला ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो जॉन ने जोश को ये चैलेंज दिया कि सबसे पहले मैं आगे जाऊँगा, चैलेंज कर दिया उसने उसको। तो उन्होंने बोला ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो जोश जोश में आके उन्होंने जॉन ने मतलब जो जल्दी जाने लगे, तो उन्हें एक बर्थ कैनाल वाला रास्ता दिखा और एक और रास्ता था, दो रास्ते थे, एक राइट की तरफ था और एक लेफ्ट की तरफ था गाइस। तो उन्हें जाना था लेफ्ट की तरफ बर्थ कैनाल वाले रास्ते पे, लेकिन वो चले गए राइट वाले।
अब हुआ यू गाइस, वो अंदर तो गए लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि एक मैंने गलत कर दिया, मेरे को शायद लेफ्ट में जाना था। तो अब उन्हें लगा कोई बात नहीं, हम थोड़ा और आगे जाके उधर मुड़ जाएंगे। तो वो आगे जाते 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 मतलब बहुत आगे पहुंच गए। अब रास्ता जो था गाइस बहुत छोटा। अब हुआ ये गाइस कि मतलब इतना सा, मतलब छेद होगा आप सोच सकते हो, लिटरली इतना सा होल था उधर, और उसके आगे एक बड़ी सी गुफा थी गाइस। लेकिन उस गुफा के जब वो होल था, उस होल से निकलने के बाद एक डीप गहरा एक मतलब सुरंग टाइप था, जिसके अंदर में अगर कोई भी गिरता तो फंस सकता था गाइस। तो जॉन ने इस बात को मतलब देखा नहीं और उसने सोचा एक काम करते हैं, मैं आगे जाता हूँ गुफा के अंदर निकल के, फिर सोचते हैं कि बाहर कैसे निकलना है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है एक काम करता हूँ, मैं पहले आगे जाता हूँ। तो जॉन जोश जोश में आगे चला गया। तो वो जो मतलब इतने से होल में आप सोच सकते हो, इसमें बच्चा तक नहीं फिट हो सकता गाइस। और जॉन इतनी मेहनत करके उस होल के अंदर में चला गया, वो अंदर ही घुस गया मतलब उस होल के। तो गाइस वो जब उस होल से वो निकला गाइस, पता नहीं वो उस इतने से छोटे होल से कैसे निकल सका गाइस। अभी तक मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा गाइस कि वो जो जॉन था जिसकी उम्र 23 साल थी, वो नौजवान आदमी इतने से हेयर ड्रायर गाइस, मतलब जो ड्रायर होता है वॉशिंग मशीन का वो इतना ही होता है गाइस, तो वो उतने से होल से कैसे निकल गया गाइस, आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया है। तो जॉन कैसे भी करके मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा था, उसे खुद फील हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा छोटा होल है, मैं इसके अंदर कैसे घुस पा रहा हूँ। तो वो जैसे तैसे करके अंदर घुस चुका था गाइस। अब वो जो घुसा गाइस, मतलब वो ऐसे घुसा वो अंदर, और जो उसका जो सर था वो नीचे टकरा के लगा, और पैर ऊपर और सर नीचे था उसका गाइस। अब वो डर गया कि ये क्या हुआ। और बताऊँ, बहुत ज़्यादा छोटी स्पेस थी गाइस, वो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर में, सॉरी गाइस बीच में मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो गाइस वो जब गिरा गाइस, तो उसका सर उल्टा था और पैर जो था ऊपर की तरफ था गाइस, और मुंह जो था नीचे की तरफ था, और हाथ दोनों बीच में अटक चुके थे गाइस। वो बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहा था, बस वो बोल पा रहा था। तो जोश जब उस रास्ते तक पहुंचा, तब उसे लगा कि जॉन मजाक कर रहा है। जॉन उसको आवाज दे रहा था कि जोश प्लीज मुझे खींचो वहां से। जोश को लगा कि जॉन मेरा भाई झूठ बोल रहा होगा। जोश आगे बढ़ता रहा। जोश ने जब जब उस स्पॉट तक पहुंचा वो जोश, उसको तब पता चला कि जॉन इतने से होल में से कैसे निकल सकता है। तो जोश ने बोला ये क्या हो गया। तब जॉन ने बताया कि मैं जैसे तैसे करके इस होल में से बाहर निकल गया था, अब पता नहीं अब मैं कैसे निकल पाऊंगा यहाँ से। तो जोश ने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें निकाल लेंगे। जोश ने पहले तो बहुत ट्राई करा उसके दोनों पैरों को पकड़कर ऊपर खींचने की, लेकिन वो नहीं खींच पाया गाइस, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होल था जिसके अंदर में वो फंसा था। अब गाइस इस हालत में तो अब उन्हें हेल्पिंग क्रू मेंबर्स को बुलाना पड़ा था। तो जो मतलब सब बंदों को निकलने में, देखिए गाइस जो स्पेलंक होता है, मतलब जो केविंग होती है, जो सुरंग होती है, वो कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं बंदे को आने में और जाने में। तो क्या हुआ, जॉन जोश और उसकी फैमिली सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे जॉन को बाहर निकालने की, लेकिन कोई निकाल नहीं पाया। उसके बाद जोश ने बोला एक काम करते हैं, हम लोग वापस चलते हैं और हेल्पिंग क्रू मेंबर्स को यहाँ पे बुलाते हैं। जोश और उसके फैमिली और उसके सारे सिबलिंग्स बाहर चले गए गाइस। उसमें बहुत टाइम लगा उन लोगों को। फिर उधर से मतलब बाहर से बहुत सारे हेल्पिंग क्रू मेंबर्स आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर एक लेडी क्रू मेंबर को अंदर भेजा गया जिसका नाम था सुजी। अब जो सुजी थी वो मतलब अच्छी लेडी थी, उसने पहले उससे नाम पूछा उसका, तो उसने बताया मेरा नाम जॉन है। तो सुजी ने पूछा, बोला
तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें इस केस से निकाल लेंगे। अब उसको थोड़ा हौसला आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रखा था गाइस, ठीक है। उसने बोला ठीक है। सूजी ने उस होल को जब देखा गाइस, तब उसकी भी हालत ख़राब हो गई कि एक 23 साल का आदमी इतने से होल में से कैसे निकल सकता है। अब सूजी भी ये सोच में पड़ गई, उसने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हें कैसे भी निकाल लेंगे। अब उन्होंने ऊपर से एक मतलब एक आदमी को भेजा जो जॉन के दोनों पैरों में रोप लगा के ऊपर की तरफ रस्सी से खींचेगा, जिससे जॉन बाहर आ जाएगा। वो उसको बुलाया गया, उसमें उसको 2 घंटे लगे गाइस। वो उसने वो काम करा लेकिन रस्सी टूट गई। 2-3 बार ये काम करा गया गाइस लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद सूजी ने बोला कोई बात नहीं, और तरीके है जॉन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने एक मतलब बाहर से एक आदमी को बुलाया जो मतलब एक ब्लेड मशीन लेकर आया, जिससे मतलब पत्थर को स्टोन को काट सकते थे गाइस। तो उन्होंने जब वो अंदर बुलवाया, उसमें भी उनको 2 घंटे लगे। तो मतलब उन्होंने जब ब्लेड कटर से उसको काटने की कोशिश की गाइस पत्थर को, वो ब्लेड ही टूट गया गाइस, लिटरली वो ब्लेड ही टूट गया। तो अब सूजी सोच में पड़ गई, अब क्या काम करें। और जो ऊपर खड़े लोग थे वो क्या महान महान क्या आइडियाज़ दे रहे थे कि आप एक काम करो, आप वो अंदर ऑयल लगा दो और उसको खींच लो। तो गाइस ये बेवकूफ़ी आइडियाज़ जो दे रहे थे ऊपर, उन सब लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। अब सूजी ने बहुत ज़्यादा मतलब उसको बोला, जॉन को उसने बहुत समझाया कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। जॉन ने बोला ठीक है। अब जॉन की आवाज़ जो थी गाइस, लिटरली हमारी बॉडी के साथ ऐसा होता है गाइस, जो हमारा हार्ट होता है उसे ऊपर भी ब्लड सप्लाई करना होता है और नीचे की तरफ भी पूरा ब्लड सप्लाई करना पड़ता है गाइस। तो नीचे की तरफ जो ब्लड सप्लाई करना होता है हार्ट को, वो तो बहुत ईजिली कर लेता है वो, लेकिन जब बात आती है ऊपर की तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारे हार्ट को। तो इस सिचुएशन में जो था वो उल्टा हो रखा था जॉन, तो इस वजह से हार्ट को जो था सर के पास मतलब ब्लड सप्लाई करने में ईजिली हो रही थी, और मतलब पैर और हाथ और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी गाइस। तो इस वजह से जो कंडीशन थी गाइस, जो उसका सारा जो ब्लड था वो उसके सर में चढ़ा जा रहा था गाइस। अब जो जॉन की आवाज़ थी वो थोड़ी थोड़ी मतलब आवाज़ बहुत धीमी और बहुत डरावनी आवाज़ निकल रही थी उसके मुंह से। अब वो लोग डर गए। एक रात पूरी निकल गई गाइस, रात पूरी रात निकल गई। अगले दिन न्यूज़ में ये न्यूज़ छप गई और न्यूज़पेपर में छप गई, न्यूज़ टीवी पर आ गई। अब सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी उस दिन, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सूजी ने उसको और मतलब समझाया कि जॉन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें निकाल लिया जाएगा। कम से कम 12-13 घंटे हो चुके थे गाइस इस सब चीज़ों को। अब होता क्या है, सूजी कहती है कि अब बाहर जाने में अंदर आने में दोनों में मतलब टाइम लग रहा है, तो अब क्या करा जाए। तो वो सोच रही थी कि अब हम एक काम करते हैं, जो उसने मतलब जॉन ने जो जींस पहन रखी थी उस जींस को आधी हमें काटनी है, उसके बाद जो था मतलब जो पैर था वो पतला हो जाएगा मतलब जॉन का। उसने ये आइडिया भी करा, खींचने की बहुत कोशिश करी लोगों ने लेकिन कोई नहीं हो पाया। सूजी ने उसका ध्यान अपने तरफ करा कि वो डरे ना, क्योंकि गाइस इस सिचुएशन में जो बंदा होता है मतलब वो बहुत मतलब बहुत रेयर केस होता है ऐसा बंदा, मतलब बहुत डर जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब गाइस उस वो बंदा तो पूरा का पूरा डर चुका था, मतलब पूरी वहाँ की गवर्नमेंट आ रखी थी, पूरी पुलिस मेंबर थी, एम्बुलेंस थी, बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे। अब गाइस कुछ हो नहीं पा रहा था। अब तकरीबन 28 घंटों की मशक्कत मेहनतों के बाद गाइस, 28 घंटों की मशक्कत के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, जॉन ने अपनी आखिरी सांस ली और वो अपना दम वहीं पे तोड़ दिया।
गाइस इसका ये मतलब है कि जो इतनी छोटी छोटी गुफाएं होती है, लोग उसके अंदर अपनी मतलब मौत को ढूंढते हैं। गाइस मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, हमें केविंग नहीं करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, लेकिन बहुत मतलब रेयर केस होता है जिसमें बंदा मतलब बहुत अंदर तक चले जाता है, जिसके अंदर में कई बार बंदे को बहुत इतना मतलब सी लेवल मतलब पानी मिल जाता है जिसके अंदर वो डूब के भी मर सकता है। गाइस बंदे को पता नहीं इस चीज़ में क्या चुल रहती है कि मतलब वो स्पेलंक के द्वारा अपनी जान जान की मौत ढूंढता है। गाइस वो अपनी मौत ढूंढता है खुद से। तो मेरा मेन बेसिक ये था कि हमें स्पेलंक करनी चाहिए, मतलब केविंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हम अंदर जाए और हम अपनी मौत खुद ही ढूंढ ले। गाइस तो वो जो जॉन था गाइस, उसकी बहुत सारी रियल्स फोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत रियल फोटो है उसकी, और मतलब आज तक कोई उसको निकाल नहीं पाया गाइस। और उस केव को, नटी पटी केव को जो अमेरिका में है, उस केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, और उधर एक बोर्ड लगा दिया है कि आइंदा इस नटीपटी केव में कोई जा नहीं सकता। गाइस मेरे को भी ये स्टोरी सुन के बहुत दुख हुआ, बंदे के साथ ऐसा बुरा हुआ, लेकिन मेन एडवाइस ये देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें कि जमीन के अंदर जाते ही आप मतलब खुद की मौत को ढूंढे। तो मेन बेसिक मेरा यही था ठीक है। तो ये स्टोरी सुन के आपको मतलब बहुत बुरा लगा होगा, और उसकी वाइफ का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था जॉन की। तो बस इतनी थी स्टोरी। तो अगली वीडियो हम किस पे बनाए आप जल्दी से कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।